फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे आईटी सेक्टर की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड यह कंपनी बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। एजुटेक, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल रिटेल में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चर्चा से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारी रिसर्च टीम बहुत मेहनत के बाद आपके लिए क्वालिटी शेयर मटेरियल की सिलेक्शन करती है। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो यह हमें बेहद खुशी देता है। हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर आज 815 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई एंड लो 1180 रुपये और 763 रुपये है। कंपनी के पास मजबूत मैनेजमेंट है। पिछले 3 वर्ष में कंपनी 61.31% का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। 3 वर्ष के प्रॉफिट ग्रोथ 257% है। कंपनी के पास 14.48 गुना का साउंड बिजनेस लीवरेज है। तो दोस्तों, कंपनी की डेबिट इक्विटी है रेशो है जो वो बहुत ही कम है। हैप्पीएस्ट माइंड का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल सेवाओं में मजबूत ब्रांड है। आरएनडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कंपनी। इसकी एक ही कमजोरी नज़र आती है कि यह कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ी महंगी पी पर मिल रहा है। जहाँ तक प्रमोटर होल्डिंग की बात है तो उसमें इसके पास प्रमोटर की होल्डिंग है जो 53.24% है। एफआईआई की 3.94% है। डीआईआई की 1.48% है और अदर्स की 2.67% है। हैप्पीएस्ट माइंड अपने क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। अपने कारोबार में लगातार ग्रोथ दिखा रही है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी शेयर निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। तो फ्रेंड्स, अब हम हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर प्राइस टारगेट देखते हैं। 2023 का देखेंगे, 2024, 2025, 2026 और 2030 के प्राइस टारगेट देखते हैं ताकि इस कंपनी के बारे में हमें कुछ पता चले, क्या हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड शेयर प्राइस टारगेट 2023 का पहला टारगेट है जो वो 1100 रुपये है। 2023 के अंत तक यह 1225 तक जा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी आईटी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट की वजह से मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखती है। 2024 का पहला टारगेट 1370 रुपये और दूसरा 2024 का के अंत तक 1490 तक का लक्ष्य पर भी देखा जा सकता है। यह कंपनी एक क्वालिटी कंपनी है। डिजिटल सेक्टर में मजबूत प्रेजेंस है। सॉलिड प्रमोटर बैकग्राउंड है। कस्टमर रिलेशनशिप बहुत मजबूती प्रदान करती है इस कंपनी को। 2025 का पहला टारगेट है जो वो 1670 रुपये और दूसरा 1785 रुपये नज़र आता है। हैप्पीएस्ट माइंड का साल 2026 का पहला टारगेट 1950 रुपये और दूसरा 2100 रुपये तक जा सकता है। दोस्तों, 8 से 10 साल तक का अच्छा स्टॉक रखने से आपके रिटर्न कई गुना बढ़ जाते हैं। 2030 का पहला टारगेट 4200 रुपये होगा। यह लक्ष्य मौजूदा ग्रोथ रेट पर आधारित है। अगर कंपनी सेल्स में ज़्यादा वृद्धि दिखाती है तो यह लक्ष्य 4350 रुपये तक भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बाकी सभी इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, इफ अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, अगर सभी बातें ठीक ठाक रहती है तो टेक्नोलॉजी का भविष्य 20-25 साल के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो कंपनी बॉर्न ही डिजिटल में हुई है तो इसलिए डिजिटल फ्यूचर तो और भी बहुत अच्छा है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जैसे सुट्टा साहब, इसके अशोक सुट्टा जी इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले विप्रो में भी काम किया है, वेल नोन पर्सनैलिटी है। तो किसी भी तरह के मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है। आप इसको भविष्य के लिए देख सकते हैं, अपने इसमें अपनी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और कोई भी निवेश अगर आपने करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि निवेश करने से पहले आपको स्वयं से भी फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए। थैंक यू।